सवाल मैं आपको सबसे पहले जो आया था मैं वही पूछ लेती हूँ। किसी ने कहा कि उन्होंने रिसर्च किया है कि सिल्वर ETF में निवेश करना चाहिए या नहीं, लेकिन उनको दिखा कि पिछले 10 साल का रिटर्न, आपने भी कहा कि जो है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है 2% का। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो 10 साल अपने आप में एक लॉन्ग टर्म है, राइट? तो अगर वो 10 साल में मुझे 2% दे रहा है, देन व्हाई शुड आई इन्वेस्ट? बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सिर्फ सिल्वर के लिए लागू नहीं होता। अगर हम जनवरी 2008 से लेके जनवरी 2018 की बात करें या फिर मार्च 2020 की भी बात करेंगे तो बाजार में भी, इक्विटी मार्केट्स में भी रिटर्न करीबन शून्य के बराबर था। 6,200 था निफ्टी जनवरी 2008 में, और फरवरी मार्च 2020 का जो बॉटम था वो 7,700 या आसपास था। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो आप लेते हो डेटा, ऑब्वियसली उससे इम्पैक्ट होता है। पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी कमोडिटी ने या किसी इन्वेस्टमेंट ने पिछले 10 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले 2-3 साल में उनमें रिटर्न ना बने। और किसी ने अगर पिछले 10 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले 3 साल में अच्छा रिटर्न बने। तो जो ग्रीड और फियर, आज सबसे ज्यादा पैसा लोग कहाँ पर डाल रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी शेयर्स, US टेक्नोलॉजी शेयर्स, और उसमें डाल रहे हैं। तो क्योंकि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न उसमें बना है। कुछ चीजें जो हमारे दायरे के बाहर भी है, जो म्यूचुअल फंड में नहीं ला सकते, उसमें भी बहुत सारा पैसा जरूर जा रहा है, पर क्या लोग वो समझते हैं? तो आपको जो चीज समझते हैं, आप उसमें अगर पैसा लगाते हो तो आपको उसका फायदा मिल जाता है। और सिल्वर ऐसी एक चीज है जो पिछले 10 साल से नहीं चली, गोल्ड भी ऐसी एक चीज है जो पिछले 10 साल से नहीं चली। भारतीय बाजार में बात करें तो 2011 में गोल्ड 33,000 था, आज 48,000 के आसपास है। सिल्वर का भाव इनफैक्ट तभी 2011 में पीक जो हुआ था वो 75,000 या 80,000 के आसपास हुआ था, आज भी उससे नीचे है। और हमने देखा है पिछले 60-70 साल की हिस्ट्री में, 1970 से 1980 में चांदी के जो भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में थे वो $10 से $80 गए थे। 1970 से 1980, 2000 से 2010 की बात करें तो चांदी का भाव $7 से बढ़कर 50 या $60 के आसपास गया था। तो आज भी ऐसा मौका है, $30 के आसपास है अंतरराष्ट्रीय भाव जो चांदी का है। अगर वो पिछले 10 साल 11 साल के पीक पे चले जाए, यानी कि $60 के आसपास, तो निवेशकों का रिटर्न बन सकता है। क्या ये सही समय है, क्या ये परफेक्ट समय है, हमें नहीं पता। पर अगर पिछले 10 साल से चांदी ने रिटर्न नहीं दिया और चांदी की जो खपत है, जो डिमांड है, बढ़ रही है, तो जरूर एक अच्छा मौका है चांदी में आज डाइवर्सिफाई करने का। क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में आप ऑलरेडी पैसा बना चुके हो, इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी पैसा बना चुके हो, और डेट में बाजार जो ब्याज दर है वो ऑलरेडी घट चुकी है, आपका पैसा बन गया है या फिर आगे 3 साल में उतना ना बने। और मुद्रास्फीति की दर अगर आपको बीट करनी है तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास थोड़ा गोल्ड और सिल्वर होना ही चाहिए। हाँ तो